आप देख रहे हैं इस समय आई फॉर यू चैनल, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं संजय कुमार भगत। मैं अभी भागलपुर से चलकर जमुई के लिए रवाना हुआ हूँ अपने मित्र अंजनी नंदन के साथ, जहाँ पर हरेंदु और संजीव संभवतः हमसे मिल पाएंगे। इसी क्रम में जमुई के रास्ते में एक मंदिर है जो बाबा सवा लाख के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, कोई भी व्यक्ति वाहन ऐसा नहीं मैं देख रहा हूँ जो यहाँ आकर बाबा के दरबार में चढ़ावा न दे। ये शायद अनोखा और अद्भुत दृश्य है, मैंने पहली बार ऐसा कभी देखा है कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार से बाबा के सामने अपना मत्था टेकते हैं। और ये श्रद्धालु मैं देख रहा हूँ कि अभी आए हैं, और आप देखा जा सकता है ये ट्रक इन्होंने रोका और बाबा का आशीर्वाद लिया। मुझे भी इस मंदिर में बाबा के सामने मुखातिब होने का मौका मिला। मैं अपने व्यूअर्स से आग्रह करूंगा कि आप भी यहाँ पर आएं और बाबा के दरबार में अपना मत्था टेकें। इनके बारे में विशेष रूप से जानकारी मैं यहाँ के पुजारी जी से लेना चाहूँगा। बाबा जी प्रणाम। इस मंदिर की क्या खासियत है? बाबा सवा लाख के नाम से प्रसिद्ध है, इसके बारे में कुछ बताएं ताकि जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में जान सकें। जितना भी सारे जंगल में देवता हैं जी, सबों का हेड हुआ बाबा सवा लाख। अच्छा, जंगल में जितने देवता हैं सबके प्रमुख हैं ये बाबा सवा लाख? इनसे सब छोटे हैं, सबसे प्रमुख यही हुए बाबा सवा लाख, इसलिए इनका नाम बाबा सवा लाख। बाबा सवा लाख यहाँ कोई भी खाली नहीं गया, जो भी मन्नत मांगते हैं लोग तो मिल जाता है। अच्छा, तो जो भी सही मन्नत, दिल से सही हो तो मन्नत मिल जाता है। और ऐसे में मन्नत मांगने के लिए यहाँ पुलाइस किया जाता है, पुलाइस आइए अवश्य करवाइए, देखिए आजमा के बाबा जरूर पूरा करें। तो पुलाइस के लिए क्या क्या विधान है, कैसे कोई आदमी उसमें 500 पाड़ी धूप अगरबत्ती सब लगता है, हम पुलाइस के लिए रखेंगे हम। अच्छा, अगर पुलाइस गिर जाती है आपके नाम से तो आपका काम होगा। अच्छा, तो कभी भी ये महीना के किसी भी दिन आते लोग किसी भी दिन आके पुलाइस करवा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानने के लिए। और हम मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर बस ट्रक आते हैं, यहाँ पर लोग आता है, हाँ चढ़ावा जरूर देते हैं, मत्था टेकते हैं। इसका मतलब सही में बाबा के अंदर जो है इतनी शक्ति है। और इसमें आप देख रहे हैं आई फॉर यू चैनल, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं रामपुरी के संजय कुमार भगत। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यहाँ पर आते समय बाबा का दर्शन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।